जींद में किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान मंडियों में धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसानों ने अधिकारियों के दफ्तर के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खड़ा कर दिया। किसानों के लिए पहले तो कोरोना काल बनकर बरसा और अब कृषि कानून आने के बाद किसानों को उनकी धान के खरीदार नहीं मिल रहे। बीते दिनों जहां उकलाना और यमुनानगर में ऐसे हालात देखने को मिले थे, तो वहीं जींद में भी ऐसे ही हालात हैं, जहां किसानों को उनकी धान की फसल की खरीद का मैसेज भेजकर मंडी बुलाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी किसानों की फसल की खरीद नहीं की जाती। किसान सारा दिन अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी फसल की खरीद के लिए कोई सामने नहीं आया। बिल्कुल मैसेज इनके पास आया हुआ था, हमने चेक किया है, मैसेज बिल्कुल आया हुआ है और इनमें इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये है कि आढ़तियों की हड़ताल होने के कारण, क्योंकि राइस मिल्स भी अलॉट नहीं हुए हैं, अभी सरकार से उनकी वार्ता जारी है, तो जैसे ही उस वार्ता का कोई सकारात्मक हल निकलेगा तो खरीद भी सुचारू रूप से चलेगी। तो कल जो खरीद है वो एफिड की है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो है इस खरीद को शुरू करवाएं और किसान को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद किसानों ने अधिकारियों के गेट पर ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खड़ा कर दिया। वहीं जब किसानों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि दिन रात काम करके वो अपनी फसल मंडी तक लेकर आए, उन्हें खरीद का मैसेज भी आया, लेकिन फिर भी उनकी फसल की खरीद नहीं की जा रही। वहीं जब मंडी के सचिव से फसल की खरीद को लेकर पूछा गया, तो वो अपने मैसेज भेजने वाली गलती मानते नजर आए। मंडी सचिव ने बताया कि FCI की खरीद का समय था, लेकिन एजेंसी ने आढ़तियों के बिना खरीद करने से मना कर दिया। वहीं किसानों की हैफेड की तरफ से खरीद कराई जाएगी और कोशिश रहेगी कि कल किसानों की धान की फसल खरीदवाई जाए। हमारा गेट पास भी कट लिया हुआ है, सारा काम कट गया, वो एंडे नाइट गया, हमारा पास जगह नहीं है, फलान नहीं है, कि मैं उसकी लायक मशीन ही देखी, मोस्टर का ना बताया दिया, फिर हमने मशीन लाई मारे, उससे आता है 15 मोस्टर आया, उसे मशीन का लाया, वो पहले हाथ हूथ लगाएगा आया था उसके नीचे, उसके बाद मेरा कुछ हमने कूकर के करा है, फिर उरा मार्केट कमेटी मारी, कोई मारी कह सुनी नहीं हुई, फिर मैं उन्हें सारे दिहाड़े भर के भाई मार्केट कमेटी हेर दी है या जाम लाए दी है ट्रैक्टर लाए दी। फिलहाल किसानों को उनकी फसल की खरीद का आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब किसान मंडी में फसल लेकर पहुंचते हैं तो क्या उनकी फसल की खरीद होगी।